हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीजेरियन डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, तो आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनका आपको ख्याल रखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ उस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकें और आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें ताकि आपको पूरी तरीके से उस चीज़ का आराम मिल सके। ठीक है, तो आराम से सबसे पहले है तो आपको आराम ही करना है। ठीक है, अच्छे से नींद लेनी है, आपको आराम करना है ताकि आपके जो टाके लगे हुए हैं उसमें स्वेलिंग वगैरह या फिर वो सूजे नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग सीजेरियन डिलीवरी तो हुई होती है, बच्चे को बार बार उठाना होता है, उसको ब्रेस्ट फीड करानी होती है और भी कई सारे काम होते हैं, वो भी करने होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को करते करते ना हम लोग आराम करना भूल जाते हैं। बट जब आपका सीजेरियन डिलीवरी हुआ है तो आपको आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाकी काम को साइड में रख दीजिए, सबसे पहले आप आराम करिए, अपना रेस्ट करिए, इसके बाद में आप काम करना स्टार्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, आपके जो टाँके लगे हुए हैं वो टूटने का डर रहता है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो भारी सामान को बिल्कुल भी नहीं उठाइएगा, अवॉइड करिएगा इस चीज़ को। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जिसकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई होती है उनको ये चीज़ मालूम ही नहीं होती है कि भारी सामान उठाना है या नहीं उठाना है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो भूल ही जाती हैं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। और ऐसे में अगर आपने वज़न उठा लिया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं बताने वाली हूँ। आपको कमर दर्द हो सकता है, इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करिए और खाना पीना अच्छे से करिए, क्योंकि ऐसे में ना खिलाई पिलाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद में खाना पीना उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, बट जब आपके टाँके ठीक हो जाएं, जो टाइम आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उस टाइम के बाद में आप अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, सी सेक्शन के बाद तुरंत आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है। आपको ऐसे न्यूट्रिशंस लेने हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखें, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखें। ऐसे में बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हो सके तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी आप मत खाएं जिससे गैस की प्रॉब्लम हो या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो जाए। ठीक है, आप फाइबर रिच फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स, इन्हीं चीज़ों का आप सेवन करें, ऐसी चीज़ अवॉइड करें जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। ऑपरेशन के बाद में तला भुना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, इन चीज़ों को तो बिल्कुल साइड में रख दें। आप जो भी चीज़ें खाएं वो हेल्थी होनी चाहिए और बहुत सारा उसमें न्यूट्रिशंस होना चाहिए, हाइड्रेट होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए। ड्रिंक के रूप में आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, और फ्रूट्स में कई सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं, गर्मियों में तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, सीढ़ी चढ़ने उतरने का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आप सीढ़ियाँ मत चढ़ें और ना ही उतरें। आपको अगर एक दो बार आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं, बस एक बार ही। ठीक है, और मैं सजेस्ट तो ये करूँगी कि कुछ दिनों तक आपको बेड रेस्ट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब होता है ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे को ही मतलब आपको लेना पड़ता है, आपको उसको अच्छे से फीड कराना होता है, तो उसकी ही केयर इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि उसमें ही आपका टाइम स्पेंड होने लगेगा। ठीक है, तो अब आप ये सोचेंगे कि बाकी सारे काम कौन करेगा, तो फ्रेंड्स ऐसे में ना बाकी सारे काम आप किसी और की हेल्प ले सकती हैं, उससे वो काम करने के लिए बोल सकती हैं, क्योंकि आपको अपना ख्याल भी रखना है, साथ में अपने बेबी का भी ख्याल रखना है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन्फेक्शन से बचना है। इसके लिए आपको अपने जो टाँके लगे हुए हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपको ऐसी चीज़ें बॉडी में नहीं लेनी है जिससे आपको सर्दी जुकाम हो जाए, क्योंकि खांसी की वजह से भी ना कई बार ऐसा होता है कि टाँके जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, और बीमार भी नहीं पड़ना है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि नहाया कब जाए, क्योंकि सी सेक्शन के बाद में ना उठने बैठने में ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और नहाने जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको स्पंज बाथ लेना है, आपको नहाना नहीं है, क्योंकि नहाने से भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, और इसकी वजह से आपके जो टाँके की जगह है ना वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह आ सकती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कुछ दिनों तक आप ना नहाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहाने को भी अवॉइड करना चाहिए आपको, टाँकों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए, समय समय पे आपको ड्रेसिंग ज़रूर करनी चाहिए, उसको अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके टाँकों के आसपास सूजन वगैरह हो रही है या फिर ब्लीडिंग वगैरह आ रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर्स के पास में जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, और जब आपके टाँके जो होते हैं वो हट जाएँ, गल जाएँ, तब आपको जो निशान पड़ जाते हैं उसको मिटाने वाली जो क्रीम्स वगैरह आती हैं या ऑयल वगैरह आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। उससे पहले आप ये सारी चीज़ों का यूज़ ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, अगर आप करते हैं तो इससे आपको कई सारे नुकसान हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद ना कुछ टाइम तक जो ब्लीडिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में ना कई बार लेडीजें त्रस्त हो जाती हैं कि अरे भगवान कितने दिनों तक ये और कितने दिनों तक ये ऐसा मेरे साथ में होगा और कितने टाइम तक ब्लीडिंग होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, 4 to 5 वीक ऐसे होते हैं जब ये ब्लीडिंग होती ही होती है और ये रुकती नहीं है, तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको ब्लीडिंग कब तक होगी, ठीक है। और पेट की मालिश वगैरह आपको नहीं करवानी है, क्योंकि सी सेक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं करवाई जाती हैं, तो आपको पेट की मालिश का ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको नहीं करानी है। घूमना फिरना, चलना फिरना थोड़े दिन तक बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है आपका, इन सारी चीज़ों से आपको दिक्कत हो सकती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत होती है, और आराम ही आपके लिए बेस्ट होता है अगर आपका सीजेरियन हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि सीजेरियन में ना कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, इस वजह से डॉक्टर ना आराम करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप टाँकों को ठीक करने के लिए ना आइस बैग का यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप गर्म बॉटल के से भी सिकाई कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। जब भी आप उठती बैठती हैं या फिर हंसती हैं या फिर चलती हैं, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो काफ़ी स्लो होनी चाहिए, बहुत तेज़ी से हंसना, बहुत तेज़ी से चलना, बहुत तेज़ी से उठना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, जो कपड़े आप पहनती हैं उनको भी ढीले ढाले लूज़ कपड़े ही पहनने, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आपके टाइट कपड़ों की वजह से जो टाँके आपके लगे हुए हैं उनमें कोई रगड़ ना लगे, वो सही रहे, इसीलिए आपको मुलायम और ढीले ढाले कपड़े ही पहनने चाहिए, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।